दंड आसन में बैठ करके अभी हम लोग पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे, बैठ के करने वाले आसनों में। ये बच्चों के लिए, लंबाई के लिए विश्व प्रसिद्ध अभ्यास है, और गैस के लिए, कब्ज के लिए, घुटना दर्द के लिए, सैटिका के लिए, गठिया के लिए और पेट की चर्बी के लिए, तमाम बीमारियों में बहुत ही लाभप्रद है। तो आइए हम दोनों हाथों को रखते हैं जंघाओं पर और पार्श्व भाग से दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं धीरे धीरे, और हाथों को छोड़ते हुए धीरे धीरे हम आगे की तरफ ले जाते हैं हाथ को, और माथे को थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका लीजिए इसमें, और महसूस करिए कि हमारे पीठ में थोड़ा खिंचाव हो रहा है, पैर के निचले हिस्से में खिंचाव हो रहा है। अब फिर सांसों को भरते हुए से हाथ को धीरे धीरे उठाइए, थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं, और यही क्रिया बार बार आगे की तरफ ले जाके दोहराते हैं। इसमें केहनी को थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं और माथा को घुटने में सटाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हाथ पूरा लंबा ऊपर जाने दीजिए इसको। अब क्या करिए कि जो तर्जनी है वो अंगूठे के अंदर ऐसे घुसा लीजिए, करते रहो, और अंगूठे को अंगूठे से दबा लीजिए ऐसे। अब सांस भरिए और सांस को छोड़ते हुए ललाट को घुटने की तरफ ले जाइए, सट जाए तो ठीक, नहीं तो सटाने का केवल अभ्यास करना है। तो आइए घुटना नहीं उठाइएगा, शुरू कर देते हैं। घुटना टाइट चंदन, घुटना टाइट कीजिए, दूसरा बार कीजिए, करिए करिए भैया, घुटना को इसको सताइए। हाँ बहुत अच्छा,